हाय फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज आप लोग के लेके आ गए हैं एनसेल फोर मैन के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स में। एंड टेक्निकल क्वेश्चन है एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए कुछ पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि SHF स्पेशली यूज्ड इन रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि विशेष रूप से रडार और उपग्रह संचार में सुपर उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। आपका ऑप्शन है 1 से 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर, या फिर 0.1 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन उच्च आवृत्ति का अनुप्रयोग है। आपके ऑप्शन है सोनार, सबमर्सिबल संचार, रेडियो नेगेटिवेशन नेगवेशन, या फिर प्रतिकृति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिकृति, यानी कि फैसिम लाइन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वेव फ्रंट इज बेसिकली अ लोकस ऑफ पॉइंट एक्यूरेटिन सिमिलर, यानी कि वेव फ्रंट मूल रूप से समान डैश प्राप्त करने वाले बिंदुओं का एक स्थान है। आपका ऑप्शन है चरण, आवृत्ति, आयाम, या फिर वेव समीकरण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेज, यानी कि चरण। फ्रेंड्स, हो सकता है बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बच्चे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर की। इन विच काइंड ऑफ द वेव फॉर्म इज द फेज वेलोसिटी डिफाइंडेड, यानी कि चरण वेग किस प्रकार की तरंग परिभाषित किया गया है। आपके ऑप्शन है सिनुसोइडल, आयताकार, वर्ग, या फिर त्रिकोणीय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो है सिनुसोइडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्पेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मुक्त स्थान में मौजूद नहीं है। आपका ऑप्शन है ठोस शरीर, आयतनिक कण, सामान्य विकिरण और रेडियो तरंग प्रसारण का हस्तक्षेप, या फिर ऊपर के सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ख, ऊपर के सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन छः नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेक्टिफायर विथ एन एक्सटर्नल लो पास फिल्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक बाहरी कम पास फिल्टर के साथ एक शुद्ध करने वाला यानी कि रेक्टिफायर का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है अप्रत्यक्ष स्विच मैट्रिक्स सर्किट, डायरेक्ट स्विच मैट्रिक्स सर्किट, या फिर एम्बेडेड कन्वर्टर, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है डायरेक्ट स्विच मैट्रिक्स सर्किट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट स्विच मैट्रिक्स सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन एसी टू डीसी कन्वर्जन, व्हेन द स्विच इज क्लोज देन द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड द लूप इज, यानी कि एसी से डीसी रूपांतरण में जब स्विच बंद हो जाता है तो लूप के चारों ओर वोल्टेज का योग होता है। आपके ऑप्शन है शून्य, गैर शून्य, स्विच खुला होने पर वोल्टेज के योग के बराबर, या फिर स्विच खुला होने पर दो बार वोल्टेज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर शून्य, यानी कि नॉन जीरो। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि एन आइडियल स्विच इज, यानी कि एक आदर्श स्विच है। आपका ऑप्शन है दोष रहित, चालू होने पर किसी भी दिशा में करंट ले जाए, बंद होने पर किसी भी दिशा में करंट को नहीं ले जाता है, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी ऑल ऑफ द दिस, या फिर ऑल ऑफ एबव कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन चार नंबर पूछ रहा है कि IGBT स्टैंड फॉर, यानी कि IGBT का मतलब होता है। आपके ऑप्शन है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, अछूता गेट द्विदिश ट्रांजिस्टर, इंडक्टिव गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, या फिर आगमनात्मक द्वार द्विदिश ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन एन एससीआर इज, यानी कि एक एससीआर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है। आपको ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्मोलॉजी डील्स विथ द एक्सटेंशन और स्टिमुलस अप्लाइड टू द सिस्टम फॉर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम द जनरेशन ऑफ एन आउटपुट, यानी कि आउटपुट के उत्पादन के लिए बाहरी स्रोत के सिस्टम पर लागू उत्तेजना या उत्तेजना से कौन सी शब्दावली संबंधित है। आपका ऑप्शन है इनपुट संकेत, उत्पादन में संकेत, त्रुटि संकेत या फिर प्रतिक्रिया संकेत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनपुट संकेत, यानी कि इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन लूप सिस्टम का लाभ नहीं है। आपका ऑप्शन है निर्माण और डिजाइन में सादगी, आसान रखरखाव, स्थिरता की दुर्लभ समस्याएं, समय समय पर सिस्टम रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समय समय पर सिस्टम रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम रिकैलिब्रेशन ऑन टाइम। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर आपको कोई वर्ड अटपटा लगे हिंदी वाला तो आप इंग्लिश वाला देखिए, इंग्लिश वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, विच नेशन रिप्रेजेंट द फीडबैक पाथ इज क्लोज लूप सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कौन सा अंकन बंद लूप सिस्टम प्रतिनिधित्व में प्रतिक्रिया पथ का प्रतिनिधित्व करता है। आपके ऑप्शन है बीटी, सीटी, ईटी या फिर आरटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीटी, हिंदी में खटी लिखा है लेकिन इसको बीटी मानिए, इंग्लिश वाला देखिए बीटी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एंड इलुस्ट्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद लूप सिस्टम का चित्रण दर्शाता है। आपके ऑप्शन है स्वचालित वॉशिंग मशीन, स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन, रोटी रोस्टर, बिजली का हाथ सुखाने की मशीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि हाउ इज एन आउटपुट रिप्रेजेंटेड इन द कंट्रोल सिस्टम, यानी कि नियंत्रण प्रणालियों में आउटपुट का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। आपके ऑप्शन है आर टी, सी टी, एक्स टी या वाई टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है सी टी, करेक्ट आंसर सी टी। हिंदी का में वैसे तो घट लिखा है लेकिन सी टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश वाला देखिएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन के साथ तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज जनरली यूटिलाइज फॉर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और वाट घंटे मीटर या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज यूटिलाइज फॉर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यहाँ भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि एमीटर, वोल्ट मीटर, डीसी एम्पियर, घंटे मीटर या फिर वाट मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर्स, यानी कि वोल्ट मीटर में यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड ओनली विथ द डीसी सप्लाई इज, यानी कि वह साधन जो केवल डीसी आपूर्ति के साथ उपयोग किया जाता है कहलाता है। आपका ऑप्शन है पीएमएमसी साधन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर यंत्र, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या फिर स्प्लिट फेज इंजेक्ट पाइप इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीएमएमसी साधन, यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड ओनली विथ द एसी सप्लाई इज या आर। तो
वह साधन जो केवल एसी आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो है या फिर है? आपका ऑप्शन है प्रेरण प्रकार, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार, इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण प्रकार यानी कि इंस्ट्रक्शन सॉरी इंडक्शन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन अ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आर, यानी कि एक गर्म तार के उपकरण में रीडिंग होती है। आपका ऑप्शन है आवृत्ति पर निर्भर, तरंग पर निर्भर, आवृत्ति और तरंग दोनों पर निर्भर या फिर आवृत्ति और तरंग दोनों का स्वतंत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति और तरंग दोनों पर स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंड ऑफ बोथ फ्रिक्वेंसी एंड वेव फॉर्म। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ यूनिपोलर लॉजिक फैमिली एग्जिबिट इट्स यूजेबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लो पावर कंजप्शन, यानी कि कम बिजली की खपत वाले अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के एक ध्रुवी तर्क परिवार अपनी उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं। आपका ऑप्शन है PMOS, NMOS, CMOS या फिर ऊपर के सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है CMOS, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ आउटपुट करंट फ्लो टुवर्ड और इनटू द आउटपुट टर्मिनल इज एन लॉजिक सर्किट, यानी कि लॉजिक सर्किट में आउटपुट करंट किस प्रकार के या आउटपुट टर्मिनल में प्रवाहित होता है। आपका ऑप्शन है सोर्सिंग करंट, डूबता हुआ करंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूबता हुआ करंट, जिसे सही फॉर्म में क्या कहेंगे, सिंकिंग करंट। तो सिंकिंग करंट करेक्ट आंसर है, डूबता हुआ करंट हिंदी में ट्रांसलेट होने के कारण ये शुद्ध हिंदी में बताया है, सिंकिंग करंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज द रिलेशन स्पेसिफाइड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द लॉजिक सर्किट, यानी कि तर्क सर्किट में इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध कैसे निर्दिष्ट है। आपका ऑप्शन है स्विचिंग समीकरण, सच्ची तालिका, तर्क आरेख या फिर ऊपर के सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द हाफ सब्सट्रैक्टर कॉम्बिनेशन सर्किट व्हाट डज ए प्रेजेंट इन द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ए माइनस बी, यानी कि आधा सब्सट्रैक्टर कॉम्बिनेशन सर्किट में घटाव ऑपरेशन ए माइनस बी में ए क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन है छोटा सा, मैक्सेंट बिट, सब्सट्रेंड बिट या फिर सुप्रभात बिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा सा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं म्यूनियंड बिट। ठीक है, तो म्यूनियंड बिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ कन्वर्टर इफ अ कॉमन एनोड डिस्प्ले सेगमेंट इज टू बी टर्न ऑन, यानी कि यदि आम एनोड डिस्प्ले सेगमेंट को ऑन करना है तो कन्वर्टर का आउटपुट क्या होना चाहिए। आपका ऑप्शन है 0, 1, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0, 0। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।